चैंटिंग जो होती है वो हार्ट के ब्लॉकेजेस खोलने के लिए होती है। आम भाषा में लोग उसे छल्ला बोल देते हैं, लेकिन उसका नाम होता है, स्टेंट होता है। तो ब्लॉकेज खुल गया हमारा, तो डॉक्टर जो है वो आपको बुलाएंगे समय समय पे, तो आपको समय पे जाके अपने दिखाना है, जो भी वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें वो खानी है। किसी को डायबिटीज़ है या बीपी है तो वो डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, नहीं तो फिर डायबिटीज़ के मरीजों में दोबारा ब्लॉकेज आने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर भी देखा गया कि 2% से 5% के बीच में दोबारा ब्लॉकेज आ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में आए, पर ये इसकी एक डाटा है कि 2 से 5% लोगों में आ जाते हैं। आप रेगुलर अपने मेडिसिन लीजिए, ज़्यादा लोगों में नहीं आता। और अपने शुगर कंट्रोल रखी है, खून पतले की जो दवाई होती है, कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयाँ होती हैं वो रेगुलर खाइए। सर इसकी कोई लाइफ भी होती है सर स्टेंट की? नहीं, लाइफ नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग चलते हैं। जिनका चलता है उनका लाइफ लॉन्ग चलता है, और जिसमें बंद होना होता है तो वो कभी भी बंद हो सकता है, पर यूजुअली वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, है ना। अब जैसे कि जो इम्पोर्टेड स्टेंट होते हैं, जैसे अमेरिकन ब्रांड्स के जो स्टेंट होते हैं, वो ऐसा कहा जाता है अमूमन कि वो थोड़ा ज़्यादा चल जाते हैं, और जो इंडियन ब्रांड्स के होते हैं ऐसा कहा जाता है कि कम चलते हैं। पर हालांकि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं तो अमेरिकन इंडियन आर एज गुड, दोनों ही बराबर लगते हैं हमें, तो दोनों की जो लाइफ होती है अच्छी लगती है। मतलब बंद, मैंने अमेरिकन वाले भी बंद होते हुए देखे हैं और इंडियन वाले सालों साल चलते भी देखे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे चल रहे हैं। और डॉक्टर शान जी ये बताएं कि मतलब स्टेंट जो दो तरह के होते हैं, ड्रग का होता है नॉन ड्रग का होता है, तो इसमें दोनों की लाइफ बराबर होती है कि नहीं? नहीं, अब नॉन ड्रग के तो अब डलते ही नहीं है, बहुत पहले जमाने में डला करते थे। नॉन ड्रग के बेसिकली उनमें डलते थे जिनको नॉन ड्रग में क्या कि खून पतला करने की डबल एंटीप्लेटेड ड्यूल एंटीप्लेटेड ड्रग्स होती है, वो कम समय तक आप देने के लिए उसमें आपको दे सकते हो। मतलब जैसे किसी को सर्जरी करानी है तो यूजुअली जैसे कि हम मेडिसिन वाले जो ड्रग वाले जो स्टेंट होते हैं उनमें 1 साल तक डबल एंटीप्लेटलेट करनी पड़ेगी। और अगर मान लो किसी मरीज को किसी और चीज की सर्जरी करानी है, जैसे मान लो किसी को कैंसर है या किसी कुछ और बात है, तो वो क्या कि डबल एंटीप्लेटलेट उसकी बंद नहीं कर सकते 1 साल तक। तो ऐसे केस में जिसमें हमें पता है कि आगे कुछ सर्जरी होनी, तो मतलब उसमें बेयर मेटल स्टेंट डाल सकते हैं बिना ड्रग का, क्योंकि बेयर मेटल में आप मिनिमम 1 महीने बाद आप उसकी सिंगल एंटीप्लेटलेट पे कर सकते हो। हालांकि रिस्क उसमें भी होता है ब्लीडिंग होने का, पर अमूमन डबल एंटीप्लेट से कम होता है। तो पर बेयर मेटल स्टेंट के नुकसान क्या है कि उसमें दोबारा ब्लॉकेज आने के चांसेस ज्यादा है, तो केवल उन्हीं पेशेंट में जिसमें हमें पता है कि डबल एंटीप्लेटेड हम नहीं दे सकते 1 साल तक, उसी में सिंगल बेयर मेटल डालना है। बाकी तो आप मोर लेस 99.99% डबल वो ड्रग वाले ही होता है। सर हृदय रोगियों को सर अक्सर देखा जाता है कि जब डॉक्टर बुलाते हैं तो वो वक्त से नहीं जाते हैं, कई कई महीने लेट आते हैं, साल में एक बार आ गए जब मनाया तो हाँ, साल में क्या 2-2 साल में आए थे। होता क्या है मरीज जब हार्ट अटैक पड़ता है तब तो उसको बहुत लगता है मैं तो बचूंगा नहीं, वो बचे आता है, स्टेंट हो जाता है और दवाइयाँ से ठीक हो जा रहा है, तो फिर वो मरीज सब लापरवाही करते हैं, उनको लगता है अब तो हमें कुछ नहीं होगा, और वो कई बार तो दवाइयाँ भी छोड़ देते हैं या कई बार वही दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो उसका नुकसान होता क्या है कि दवाइयाँ क्या टाइट्रेट होती है। अब मान लो केवल हार्ट की बीमारी अकेले नहीं होती, हार्ट के साथ मतलब ब्लॉकेज के साथ साथ उसको मान लो डायबिटीज भी है, या मान लो किडनी की भी प्रॉब्लम आई है, या मान लो सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हो, काफी चीजें होती है। तो वो डॉक्टर क्या करता है हर चीज को अब तालमेल बिठा के रिपोर्ट्स के हिसाब से वो दवाइयाँ कम ज्यादा करता है, सेट करता है हर विजिट पे, शुगर की दवाई कम ज्यादा करेगा, बीपी की दवाई कम ज्यादा करेगा, कुछ रिपोर्ट्स करा के देखेगा, तो उससे दवाइयों की टाइट्रेशन करता रहता है। अब अगर आप एक ही दवाई खाए जा रहे हो कई मरीज देखा साल भर बाद आया पता चला क्रिएटिनिन उसका तो बढ़ गया है, पोटेशियम बढ़ गया है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो डॉक्टर अपने ध्यान में रखता है जब भी ये पेशेंट देखता है। तो वो सारी चीजें आपको मतलब पेशेंट समझते कि अब हम ठीक हो गए हैं तो गलत हो जाता है उसके साथ। तो उनसे ये अपील है कि आप समय पे जब डॉक्टर बुलाए दिखाइए, रिपोर्ट्स कराइए, और अगर आप ऐसे करेंगे तो सालों साल आपका स्टैंड चलेगा और आप भी सालों साल चलेंगे।